नवी मुंबई नेटवर्क। सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को एक नई पहचान देने के मकसद के साथ वाशी स्थित विश्वदास भावी नाट्य गृह में श्री धनलक्ष्मी महिला मंडल वाशी के 20वें वर्धापन दिवस के उपलक्ष्य में धनलक्ष्मी सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां रोली के विधायक गणेश नायक, पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नायक और श्री धनलक्ष्मी महिला मंडल वाशी की संचालिका डॉक्टर वनीता राजे गर्डे समेत अन्य प्रतिष्ठित मान्यवर मौजूद रहे। वृक्षारोपण से लेकर वृक्ष संवर्धन की दिशा में काम करते हुए नवी मुंबई के वृक्ष मित्र के तौर पर प्रसिद्ध पर्यावरण तज्ञ आभा रणवरे को दर्शकों से नवी मुंबई के पर्यावरण संवर्धन की दिशा में काम करने के लिए डॉक्टर वनीता राजे गर्डे द्वारा संचालित श्री धनलक्ष्मी महिला मंडल वाशी द्वारा प्रतिष्ठित धनलक्ष्मी सम्मान पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि 1977 में नवी मुंबई जी नगर की परिजात सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी में आकर बसे और बेस्ट क्रम में वरिष्ठ बस संचालक के तौर पर 2019 में सेवानिवृत्त हुए आभा रणवरे का औषधि वनस्पतियों के साथ एक गहरा लगाव रहा है। उन्होंने अपने दशकों के जीवन के सामाजिक सफर में सामाजिक वनीकरण पर जोर दिया, वृक्ष संवर्धन की दिशा में उग्र भूमिका अख्तियार की, वृक्षों की कटाई करने वालों के खिलाफ आक्रामक भूमिका अख्तियार की, वनस्पति से उपचार के साधन जैसे कई स्तरों पर काम किया। अपने इस सफर पे न केवल वे यूथ काउंसिल नेरुल की संस्था संगठक रहे, बल्कि हरियाली लोक कल्याण सेवा समिति सानपाड़ा संस्था के सलाहकार, निसर्ग प्रेमी फाउंडेशन सानपाड़ा के सलाहकार, भ्रष्टाचार निर्मूलन जन संगठन महाराष्ट्र राज्य पुणे नवी मुंबई और ठाणे जिला में सलाहकार के तौर पर भी कार्यरत हैं। आज आभा रणवरे की जितनी उम्र नहीं उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने वृक्षों की कटाई को रोकने और आयुर्वेदिक वृक्षारोपण पर जोर दिया है। अपने इस उल्लेखनीय कार्यो के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के हाथों उन्हें मुंबई हीरो 2013 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब द्वारा विशेष वैकेशनल एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही वृक्ष मित्र पुरस्कार, अशोक पुष्प पब्लिकेशन द्वारा पर्यावरण मित्र पुरस्कार, वार्ता दीप द्वारा पर्यावरण व वनौषधि तज्ञ पुरस्कार, दादा गांवकर संस्था द्वारा गुणवंत नागरिक, आयुर्वेदाचार्य, समाज सेवक पुरस्कार जैसे अनगिनत पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। और फिर एक और बार आभा रणवरे को धनलक्ष्मी सम्मान पुरस्कार से उनके कार्यों को सभी के समक्ष एक आदर्श रखते हुए संस्था द्वारा उनके कार्यों को सलाम किया गया। इस सम्मान के बाद अपनी खुशी का इजहार करते हुए आभा रणवरे ने सभी को एक ही संदेश दिया कि पर्यावरण का नाश न हो और लोग अधिक से अधिक वन औषधियों की पेड़ लगाकर पर्यावरण के संवर्धन की दिशा में कार्य करें। आज पर्यावरण क्षेत्रामध्ये वेगवेगळे पुरस्कार किंवा मुंबई हिरो सारखे पुरस्कार किंवा आज तुम्ही प्रसार माध्यमांनी सुद्धा खूप मोठी दखल घेतलेली आहे, याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो। आणि आज फक्त पर्यावरण दिनानिमित्त नाही की इतर दिवशी सुद्धा मी वृक्ष लागवड वृक्षतोडीवरती निर्बंध आणले, त्यांच्या तक्रारी अयोग्य पद्धतीने जर वृक्षतोड होत असेल तर तातडीने आम्ही महानगरपालिका पोलीस प्रशासन यांच्या सहाय्याने आम्ही ताबडतोब ती वृक्षतोड थांबवतो। काही ठिकाणी बऱ्याच कारवाई केलेले आहे, त्यामध्ये आम्ही सक्सेसफुल झालेलो आहे। तर लोकांनी आम्ही लोकांच्यापर्यंत असा मेसेज देऊ इच्छितो की पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ देऊ नये, जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करावी, वड, पिंपळ, जांभूळ, कडुनिंब, उंबर अशा वनौषधी पर्यावरणास अनुकूल औषधी वनस्पती या लोकांनी लावल्या पाहिजे। उन्होंने औषधि वृक्षों की अहमियत पे प्रकाश डालते हुए कहा कि आज गांव में अधिक से अधिक वृक्षारोपण के कारण ही कोरोना का प्रादुर्भाव
गांव में पसर ही नहीं पाया। उन्होंने कहा कि वह दिन भी जरूर आएगा जब लोग थर्माकोल और प्लास्टिक की जगह वृक्षों पर आश्रित रहेंगे। क्या कोरोना सारखी महामारी भविष्य मध्ये सुद्धा आणखी काय येऊ शकतं? मागे सार्स रोग आला होता नवी मुंबईमध्ये, त्या सार्स रोगा किंवा कोरोना जर एखाद्या गावामध्ये, आज पंढरपूर ठिकाण, पंढरपूरच्या आजूबाजूला एक गाव होतं, त्या गावामध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही। याचं कारण आहे त्या गावामध्ये खूप वृक्षलग लागवड केलेली। आम्ही गावीसुद्धा जातो, वडाची झाडं दोन दोन अडीच अडीच किलोमीटर महिलांना वड पूजाला जावं लागतं। आज आम्ही घेऊन गेलो तर गेले, आता या वड सावित्रीच्या पौर्णिमेच्या मेळाव्यात। तर ह्या झाडं लावल्यामुळं नवीन पिढीला सुद्धा त्याच्यातून रोजगार निर्मिती होऊ शकते। आज आपण थर्माकोल प्लास्टिकचा द्रोण वापरतो किंवा पत्रावळ्या वापरतो, तर भविष्यामध्ये परत आणखी दिवस येतील। जसं आपण आता साखरेचा चहा लोक पित होते, आता गुळाचा चहा पिऊ लागले, तसं वडाच्या झाडाच्या पत्रावळ्या आणि वडाच्या झाडाचे द्रोण हे नवीन रोजगार निर्मिती होऊ शकते। त्यापासून पर्यावरणाची कुठल्याही प्रकारे हानी होऊ शकत नाही। त्याकरता समाजाला आम्ही सांगू इच्छितो की पर्यावरणाचं ऱ्हास करू नये, जास्तीत जास्त पर्यावरणास अनुकूल अशी झाडं लावावीत। ब्युरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क। डू यू अस्पायर टू अपग्रेड युअर लिव्हिंग विथ अरिहंत अद्विका सेक्टर 9 वाशी? Upgrade to iconic residential tower.